Da. Din. Dima kare. Din. Da. Da. Dima kare. Ha. सुनेंगे तो ता बजने के बाद धिन धिन देखिए धा धा धिन धिन धा धा धिन ता किट धिन ये जो तिरकिट वहां लगता है धीमा जो वो तिरकिट के बाद आपकी चाबी खुलती है वहां जोर पड़ता है मुखड़े का धीमा में हे मारू धीमा जब लगता है ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन तो किरकिट दिन दिन ये उसकी चाबी है। यहां आपने गड़बड़ किया तो कत्ता का हिसाब आ जाता है। तो हर एक ताल का जो है एक अंदा वो वहां जो आराम काम करते हो तीन से आप हुशार हो जाते हैं। नथ
moyo elina se wale se maru rat. To ek alag alag vazan milta hai. Ab aane jaate wala drup dekhiye. धी त्रक धी ना तू ना कस्ता त्रक धी ना थी बहुत भागी नहीं धी त्रक मजे से हाँ धी 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 पान ना 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 वजन के हिसाब से ताली दे रहा हूँ मेरे तो मन कान कुंवर मेरे तो मन कान कुंवर ये जब बस गई ये रे माँ श्याम सुंदर कमल नैन मन लल चोरी मेरे तो मन कान कुंवर मेरे तो मन ये जब बस गई ये रे माँ श्याम सुंदर कमल नैन मन लल चोरी मेरे तो मन कान माथे किरीट मुकुट माथे किरीट मुकुट कट सोहे पी जागे भाईल तिलक के सर को अत ही ले सूर्य मेरे तो मन खान कुवर मेरे तो मन खान मन खान कुवर मेरे तो मन खान कुवर मेरे तो मन खान मन खान मन खान कुवर मेरे तो मन खान कुवर ये जब बस गई ये रे माँ श्याम सुंदर कमल नैन मन लल चोरी मेरे तो मन खान माथे किरीट मुकुट माथे किरीट माथे किरीट मुकुट कट सोहे पीतांबर जागे भाल तिलक के सर को अत ही ले चोरी मेरे तो मन खान कुंवर मेरे तो मन अब बहुत प्रसिद्ध चीज है नट बिहार के कैसे कैसे बोलो ये भी आड़ा चौताल में देखिए कैसे कैसे बोलत मुसो कैसे कैसे बोलत कैसे कैसे बोलत मुसो लोगवा देखो सैया तिहारे बोलनवे पूछे नहीं सास नैन देखो कैसे कैसे बोलत मुसो लोगवा देखो सैया तिहारे बोलनवे न पूछे नहीं सास नैन देखो जन्म जो बने जूही जात रंगीले तिहार
रे माया में निस दिन जिया दुख पाते कैसे कैसे बोलते मुसो कैसे 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 बोलते मुसो कैसे 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 बोलते मोसो कैसे कैसे बोलते मोसो लोग देखो से या तिहारे बोलन बिन पूछे नहीं सास जन्म जो बने जूझ जाते रंगीन तिहाड़ माया में निस दिन जिया दुख पाते कैसे कैसे बोलते मोसो कैसे 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 बोल अब एक इनाथुसन खान साहब की चीज है देखिए ऐसे प्यारे लाड़े लेके हमीर में है धीत कधी ना तू ना दत्ता देखिए ऐसे प्यारे लाड़े लेके सुंदर सुंदर मूरत मूरत प्यारे प्यारे देखिए ऐसे प्यारे लाड़े लेके देखे ऐसे प्यारी लाडली की सुंदर सुंदर मूरत मूरत प्यारी प्यारी छबगत छबगत न्यारी न्यारी देखे ऐसे प्यारी लाडली की देखे ऐसे प्यारी लाडली की सुंदर सुंदर मूरत मूरत प्यारी प्यारी मुस्ताकुजन खासाब से मिली देखिए ऐसी प्यारी लाडली की सुंदर सुंदर मूरत मूरत प्यारी प्यारी छबगत छबगत न्यारी न्यारी देखिए ऐसी प्यारी लाडली की देखिए ऐसी प्यारी लाडली की देखिए ऐसी प्यारी लाडली की सुंदर सुंदर मूरत मूरत प्यारी प्यारी छबगत छबगत न्यारी न्यारी देखिए ऐसी प्यारी लाडली की हसत हसत फूल झरत झरत मुख सो पीरी पानन लाल लाल खावत दिखावत इनायत कपूर लोचन बनी दुलारी प्यारी देखी ऐसी प्यारी लाडली की हसत हसत फूल झरत झरत धिन धिन ना धीत कधीन हसत हसत फूल झरत झरत मुख सो पीरी पानन लाल लाल खावत दिखावत इनायत कपूर लोचन बनी दुलारी प्यारी देखी ऐसी प्यारी लाडली की देखी ऐसी प्यारी लाडली देखी ऐसी प्यारी लाडली देखी ऐसी प्यारी लाडली की सुंदर मूरत मूरत प्यारी प्यारी छबगत छबगत न्यारी न्यारी देखी ऐसी प्यारी लाडली की हसत हसत फूल झरत झरत मुख सो पीरी पानन लाल लाल खावत दिखावत हिनायत कपूर लोचन बनी देखी ऐसी प्यारी लाडली की देखी ऐसी प्यारी लाडली की देखी ऐसी प्यारी बस अब
और धमा सात दोनों चौदह नहीं होता है, इसमें वो गणित नहीं बैठता है। रूपक का वजन अलग है, धमार का वजन अलग है। पहले रूपक तीन लयों में मैं बताता हूं, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो उसके आघात जो है ताल के वो अधिक स्पष्ट होंगे। अब हमारे गुरुजी ने विलंबित रूपक के लिए चूंकि मात्रा भरना न पड़े, ठेका आसानी से बच सके और हमें उसका वजन मिल सके, इसलिए उन्होंने एक नया ठेका ईजाद किया विलंबित रूपक के लिए। पहले मैं सीधा सीधा ठेका बोलता हूं रूपक का, धिन धिन ना धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना। ये तो सीधा सीधा ठेका है, ये विलंबित में भी बच सकता है, मध्य लय में भी बच सकता है, द्रुत में भी बच सकता है। लेकिन जिसको ये ठेका खींच के गाना हो तो उसके लिए तेन ता ते दे केट धेन ते दे केट धेन धा धा तेन धिन। तो वो जो धिन है उस पर जोर पड़ेगा, धिन ता ते रैकेट धिन ते रैकेट धिन धिन ता से सुनाता हूं मैं विलंबित। तो देखिए कहा कि ताल के अनुरूप से बंदिश आपको मिलेगी। मैं बंदिशों में ताल का महत्व इसी विषय को लेकर ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब लय हमारे दिमाग में रहेगी तो बंदिश गाते वक्त तो हमेशा आपको ये लय नजर में आएगी। तेन ता ते दे धन ते दे के धन ता ता धन ता ते दे के धन। तो ता ते दे के कोई इतनी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसमें आपने मार्क किया होगा तिन के ऊपर मैं जोर देता हूं ता ते दे के धन। ये धन को गाठने के लिए ता ते दे के आ जाता है। तो उसका फ्लो आप देख रहे हैं, ताल का फ्लो then 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 yeah.
तो क्या है उसका वजन अगर हम दिमाग में रखेंगे तो फिर बाद में उसके खिलवाड़ हम कर सकते हैं लय के साथ. देखिए तेन एक बजे सुनिए. ये
गौड़ मल्हार का एक प्रकार है जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। ये छह नट की बंदिश थी, कहते हैं बाज बहादुर की बंदिश थी, राजा बाज बहादुर थे उनकी ये बंदिश है ऐसा कहा जाता है। ये जो ए जोबन मोरा दिए जात दादा, कुछ लोग सिर्फ नट कहते हैं, हाँ साहब भी गाते थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको छह नट में सिखाई। अब इसके बारे में मैं जिसको जैसी तालीम होगी, यहाँ तो ताल का संबंध मैं बोल रहा हूँ, किसी का कोई दावा तो नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहा गया है कि ये बंदिश उनको जैसी मिली, अब देने वाले की भूल हो तो कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें छह नट के सभी नियम मिलते हैं। जो जिस प्रकार से यह बंदिश को मैंने सादर की है, छाया नट की सभी संगतियां इसमें मिलती है, तो मैं इसको छाया नट कहता हूं। गुरु जी ने भी छाया नट ही सिखाया। तो दूसरी एक बंदिश है गौड़ मल्हार का एक प्रकार। मैं गौड़ मल्हार पर और किसी दिन अलग अलग प्रकार के गौड़ मल्हार आपको सुनाऊंगा, करीब 15-20 बंदिशें अलग अलग रूपक के बता, रूपक में इसी विलंबित में, फिर मध्य में, फिर द्रुत में। वजन किस प्रकार, अब इस विलंबित लय में ये रूपक का एक वजन अलग है, चलिए वही ठेका टेन देखत
Mahatva Ravan
शिखर राज विभेखन को दियो लंका ले। एक दूसरी अब तिन तिन ना तिन तिन अब वो इसके आंदोलन बार बार मांगू जाएंगे।
उसका वजन आपको यही इसी प्रकार मिलेगा। त्रिताल है, एक सादा त्रिताल है और एक अद्धा भी है। त्रिताल 12-16 मात्रा का बराबर, जैसे ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। अब आप इसमें क्या करते हैं, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता धा दिन दिन धा धा दिन, ये तो नहीं कहते। कहां पर जरब है, तो ये जो वजन है फिर आप घूम फिर सकते हैं। दूसरा ठेका है धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा, इसको आप सितार खानी कहिए कुछ भी कहिए, धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा। अब इसी में थोड़ा झोंक हो जाता है तो इक्वाई कहते हैं इसको, धा धिक धा धा धिक धा
बताने के लिए बता रहा हूं, सब देखिए इसको, आर्टिस्ट के लिए भी गा सकते हैं। त्रिताल की तो बंदिशें आप बहुत सुनते हैं, अलग अलग उठान हो सकती है, जिसमें से मैंने कल ही कहा था चौथी मात्रा और आठवीं मात्रा बहुत खतरनाक मात्राएं होती, जिसका उगम वहां से थी। तो बाकी
सातवीं मात्रा कहिए, ये खाली के एक मात्रा बाद में उठने की चीज कहिए, ये सब आसान है। सम के बाद एक मात्रा से उठना वो भी आसान, लेकिन आठवीं खाली के पहली मात्रा जो है वो आप आलाप तान करके फिर वहां से मुखड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ कल भी आपको बंदिशें सुनाऊंगा वैसी। अब झपका, झपका की बंदिशों को ध्रुपद अंग से गाएंगे तो उसको साधा कहते, ख्याल अंग से गाएंगे तो हम उसको झपताल की बंदिश छोटा ख्याल कहते हैं, लेकिन अगर ध्रुपद अंग से उसके बोल बाट गाएंगे तो उसको साधरा बोलते हैं। उसका भी एक वृत्त होता है, धे ना धे धे ना ते धे ना धे ना ते। तो इसमें कि ना क्यों मैं जोर दे रहा हूं तो खाली पर जोर आता है। धन ना धन ना धन धन ना धन ना धन धन ना धन ना धन धन ना धन। झपताल के लिए इसी वजन के मिले। अभी आजकल लय झपताल की स्लो रखते हुए विलंबित ख्याल भी गाने की प्रथा हो गई है, लेकिन उसमें झपताल का वजन नहीं मिलता है, दस मात्रे का ताल गाया जाता है। अब इसी दस मात्रे में आपको सुल्फा भी है,
Vale.
एक पखवाजियों का सुल्तान साहब, वो आपको भी वजन तो यही रहेगा, आप कौन सा भी ठेका बजाइए, वजन जहां तक वजन का सवाल है, आप कई कई ठेके कई कई जगह प्रचार में आ गए हैं, जिसको जैसी सहूलियत हो, लेकिन वजन अगर कोई कायम है वही रहेगा के कई रूप है, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। एक उदाहरण आपको मैंने बताया, अब यहाँ तक आम तौर पर हमारे ख्याल गायन में अभी लाइट ताल जो है, अब दादरा आप विलंबित नहीं कर सकते, मध्य भी नहीं कर सकते, वो चलता ही ताल मैं पिया बचाए ले हो झरन लागी बदरिया भेज जाऊं, मैं पिया बचाए ले हो 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 झरन लागी बदरिया भेज जाऊं, मैं पिया बचाए ले हो कन चुके मोरी भीजन लागे, कन चुके मोरी भीजन लागे, यार यावत देखत नारी बिनती करूं छुपाए ले हो भेज जाऊं, मैं पिया बचाए ले हो भेज जाऊं, मैं पिया बचाए ले हो भेज जाऊं, मैं पिया बचाए ले हो भेज जाऊं। अब ये जो लय है ठेके का वजन, अब धा देना धा देना, अब इससे थोड़ी फर्क, पानी भर ले पानी, ये पानी भर ले पानी, हाँ पानी भर ले पानी, भर ले कौन आलू बेले किनारे झमझम हरे, झमझम हरे, झमझम हरे, झमझम हरे, झमझम अरे पानी भर पानी पानी ये पानी भरे ये पानी, उसके बोल बाट ये इसकी खासियत है, पानी भरे पानी भरे ले कौन आलू बेले किनारे झमझम हरे झमझम, ये सीधा सीधा है, हरे झमझम हरे झमझम, लेकिन हरे झमझम हरे झमझम, हाथ रसदिया हाथ रसदिया
कांधे गगरिया थे नसरिया कांधे गगरिया तिरछी नजर से घायल करे रे कौन अलवे किनारे तो ये दादरा है अब धादे ये भी ताली बजता है लेकिन दादरे का जान नहीं है आपसे छह मात्रा गाते ये फोक जितने क्लूस हैं सब इसी तरह चलेंगे कहरवा खेमटा ये सब द्रुत गति के तार ए वैसे भी एक चाचर है और एक दिपचंदी चाचर और दिपचंदी में फर्क आप ठुमरिया गाते हैं वो दिपचंदी में गाते हैं चाचर की लय थोड़ी सी फास्ट होती है उसका एक नमूना गाकर मैं आज की सलाह या कदम ठेका लेकिन उसका वजन देखिए साहब हम ठेके से मतलब नहीं रखते हम ताल का वजन समझते धा दिन धा तिन अब अधा लगाई है या धा धिन धा तिन धा तिन धा ये तो हमेशा आप सुनते आए हैं उसको अधा कहते हैं कुछ लोग सोलह मात्रे की दिपचंदी कहते हैं बंबई की तरफ इसको अधा कहा जाता है दिपचंदी है अब ये देखे धा धिन धागे तिन ता तिन धागे तिन हाँ ये भी दिपचंदी है धा धिन धागे तिन ता तिन धागे तिन धागे तिन हाँ इसकी एक बंदिश सुनाता हूं इसके साथ लय के साथ कैसे खेलती है देखिए न खेलोगे मैं तो सुहोगे कन्हैया न खेलोगे मैं तो सुहोगे कन्हैया न मानोगे अब न मानोगे अब एक हूँ तो दिपेते न खेलोगे मैं तो से हो रे न खेलोगे मैं तो से हो रे अभी मैं बहुत थक गया हूँ गर्मी से तो थोड़ा सा नमूना सुनाता हूँ बाद में कभी बैठे भी सुना दूंगा कन्हैया न खेलोगे मैं तो से हो कन्हैया न मानोगे अब न मानोगे अब एक हूँ तो पिता बतिया न खेलोगे मैं तो अब इसको आप भीमा कर लीजिए दिपचंदी में देखिए इसका वजन मिलता है क्या जानो न ले छन बचन पे देखे बचन पे देखे बचन पे देखे जानो न ले छन जानो न ले छन के नारी नमो अनारी अनोखे पूरी के खिलैया न खेलोगे मैं तो से हो कन्हैया न खेलोगे मैं तो से हो
से हो, ये दोस्त हो।